subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Today I am going to discuss a very important topic, potential divider biasing. It is also known as a self biasing and also known as a voltage divider biasing. This is very important because with the help of potential divider, we can stabilize our transistor circuit. इसमें हम देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम, सिंपल कलेक्टर रजिस्टर, एमीटर रजिस्टर हैं, बट इसमें दो एक्स्ट्रा रजिस्टर R1 और R2 लगे हुए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं. अभी हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. इस सर्किट को ब्रेक करेंगे और इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसमें हम एक इनपुट साइड में KVL लगाएंगे. विद द हेल्प ऑफ इनपुट साइड वी कैन फाइंड आउट द बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट, एंड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट KVL वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VCE. दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट आफ्टर सॉल्विंग. जब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो बड़ा सिंपल सा नज़र आएगा और वी कैन ईजिली फाइंड आउट IC एंड VCE. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के एडवांटेज क्या हैं, क्योंकि सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर थर्मल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए. सो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वोल्टेज डिवाइडर के. तो फर्स्ट पॉइंट है, ट्रांजिस्टर इज इन कॉमन एमीटर मोड विथ RE. इट विल इंट्रोड्यूस 180 डिग्री फेस शिफ्ट फॉर इनपुट सिग्नल. अगर हम इसमें कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो ये क्या करता है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देता है आउटपुट में. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल. सो अभी आपको R1 और R2 नहीं समझ में आ रहे हैं, अभी जब हम इस सर्किट को ब्रेक करेंगे तो यू कैन ईजिली एनालाइज कि हाउ R1 एंड R2 आर पैरेलल. सो थर्ड पॉइंट इज R1 इज फार ग्रेटर देन R2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि R1 और R2 में ग्रेटर कौन होता है. तो R1 इज फॉर ग्रेटर देन R2 और अप्रॉक्सीमेटली ये रिलेशन होती है दोनों में, R1 अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ R2. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको रिमेंबर रखना है सबको. नेक्स्ट पॉइंट इज बाई यूजिंग ऑफ R1 एंड R2 इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमीटर सर्किट इज स्लाइटली लेस. इसका यूज करने से क्या होता है, जो इस कॉमन एमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा से डिक्रीज करता है, बहुत स्लाइटली डिक्रीज करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रिमेंबर रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी फैक्टर. स्टेबिलिटी फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एस से. ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी फैक्टर सेल्फ बायस हैविंग एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का, कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है. यानी हम अगर बात करें फिक्स्ड बायसिंग की, एमीटर बायसिंग की या कलेक्टर टू बेस बायसिंग की, तो सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की होती है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ RE इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स अगर एमीटर टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस न लगा हो, इसकी वैल्यू अगर हम जीरो कर दें तो सर्किट बिकम अनस्टेबल. अगर ये यहाँ पर नहीं लगा होगा तो हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो 1+β आने लगेगा. ड्यू टू दिस रीजन ये सर्किट हमारा अनस्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ एमीटर रजिस्टर. तो एमीटर रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी और ड्यू टू स्टेबिलिटी हमारा क्यू पॉइंट स्टेबल हो जाता है. अगर हमारी स्टेबिलिटी अधिक होगी तो हमारा क्यू पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा. अगर क्यू पॉइंट फिक्स होगा तो ये सर्किट मोर स्टेबल होगा. हेंस RE इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन रजिस्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू RE, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स वाई RE इट मीन्स एमीटर रजिस्टर, ऑल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन रजिस्टर. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग. और हमें
इसकी अब कैलकुलेशन करनी है, इट मींस इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। सो अभी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, बट आफ्टर सिंप्लीफाइंग इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखेंगे कि जो R1 और R2 है इस सर्किट को थोड़ा से ब्रेक करेंगे और इनपुट साइड को हम जो भी इनपुट साइड में रजिस्टर या वोल्टेज लगे होंगे उनको RTH इट मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस और VTH मतलब उसको थेवेनिन वोल्टेज में चेंज करेंगे। सो हमारा इनपुट साइड में सिर्फ एक कोई VTH लगा होगा और एक RTH लगा होगा। सो वी कैन ईजिली अप्लाई KVL, आफ्टर अप्लाइंग KVL वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करेंट। सो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम इस सर्किट को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। इट मीन्स इस सर्किट को अगर ब्रेक करें सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये रजिस्टर, यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा है, ठीक है। सिंपली ये आपका RC हो गया, ये आपका RE हो गया, और हम देखते हैं अब इस पार्ट को, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ ग्राउंड ऐसे होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर VCC लगा हुआ है, इट मीन्स ये VCC यहाँ पर कनेक्ट है, यही VCC यहाँ पर कनेक्ट है। सो हम इसको कर देते हैं VCC, ये एक पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट की बात करें तो ये कैसा है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा है और ये ग्राउंड हो गया। इट मीन्स ये R2 हो गया, ये R1 हो गया और ये VCC हो गया। इट मीन्स हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक किया, सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा से फिर थोड़ा सा सॉल्व करें सो ये कैसा दिखेगा, एक हमारा यहाँ पर रजिस्टर लगा है, एक हमारा यहाँ पर रजिस्टर लगा है, ये सिंपल आउटपुट सेक्शन वैसा ही रहेगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इनपुट सेक्शन की अगर बात करें सो इस टर्मिनल को हम नीचे ले आएंगे, इट मीन्स इसको इधर से ले आएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल हमारे पास कैसा दिखेगा, यहाँ पर एक रजिस्टर R2 तो लगा ही है ये, ठीक है। अगर इस टर्मिनल को हम इधर लाएंगे, इट मीन्स यहाँ से वो टर्मिनल ऐसे लाते तो क्या होता, यहाँ पे R1 लग जाता, ठीक है, और यहाँ पर एक VCC सप्लाई लग जाती कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ही है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू R1। सो हमने वही किया है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू R1, सिंपली निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो ग्राउंड होगा। तो ये सब इस तरीके से देखेंगे, इट मीन्स यू कैन ईजली चेक कि अब हमारा ये डायग्राम बन गया। सो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इनपुट पार्ट सॉल्व करना है, सो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इट मीन्स इस टर्मिनल के क्रॉस हमें यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसका RTH निकालना है और इसी का हमें VTH फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो इस सिंपल से सर्किट को हम लोग अगर बनाएं अलग से, सो सिंपल लगा हुआ है R1, यहाँ पर क्या लगा हुआ है R2, और यहाँ पर लगी हुई है सप्लाई, ठीक है, ये जॉइंट हैं, या तो ऐसे लिख देते हैं, ये VCC प्लस माइनस, और हमें इसके क्रॉस VTH फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सर्किट है, इसके बाद अगर देखें तो यही वाला सर्किट लगा होगा, बट हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है, सिर्फ इस सेक्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें RTH फाइंड आउट करना है और VTH फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सप्लाई दी होती है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लेते हैं। और जब इसको शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लोगे सो आप इधर से देखोगे तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा ये कैसे बनेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी हम कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो आपका क्या निकल आएगा, वो RTH। सो अगर हमें यहाँ से RTH फाइंड आउट करना है तो RTH की वैल्यू आ जाएगी, ये पैरेलल कनेक्टेड होंगे, यहाँ से हमें चेक करना रहता है RTH।
सो ये पैरेलल कनेक्टेड होंगे, यहाँ से देखें दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर, तो वैल्यू क्या आती है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, सो दिस इज योर आर टी एच। ठीक है, अब वी टी एच की बात करते हैं कि वी टी एच कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी टी एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कहाँ फाइंड आउट करना है वी टी एच, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में। सो वी टी एच एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इट मीन्स वी टी एच कुछ नहीं है, वी टी एच इज इक्वल टू वी आर टू, यानी हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, सो वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल इज नथिंग, हमें जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है वो रजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर हमें वी टी एच फाइंड आउट करना है इसके क्रॉस, इस रजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो रजिस्टेंस लेते हैं जिसके क्रॉस हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसके क्रॉस फाइंड आउट करना है तो वो रजिस्टेंस आ गया। सिंपली उसके जो जस्ट सामने वोल्टेज होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस आर टू के जस्ट सामने कौन सा वोल्टेज है, वी सी सी, तो इससे वी सी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखते हैं उस पूरे लूप में जितने भी रेजिस्टेंस उनका सम, तो इस लूप में जितने भी रेजिस्टेंस उनका सम, मतलब आर वन प्लस आर टू, तो दिस इज योर वी टी एच। ठीक है, इट मीन्स हम यहां से आर टी एच निकाल लिया। आर टी एच कैसे निकलता है, जो भी वोल्टेज सप्लाई लगी रहती है उसको शॉर्ट कर देते हैं, और जिस पॉइंट से निकालते हैं इधर से देखेंगे तो दोनों पैरेलल कनेक्ट हैं, तो आर टी एच निकल आया। वी टी एच निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दो टर्मिनल में निकालना है, इट मीन्स आर टू के क्रॉस निकालना है, तो आर टू के क्रॉस निकालने के लिए आर टू इंटू सामने वाला वोल्टेज अपॉन टोटल जो भी उस पूरे लूप में वोल्ट रजिस्टर है उसको ऐड कर देंगे, तो ये निकल आएगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वलेंट आर टी एच और इक्वलेंट वी टी एच में। वी टी एच क्या आ गया आपका, आर टू इंटू वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू, सो ये आपका आ गया वी टी एच। सिंपल है, हमने इस सर्किट को पहले ऐसे कन्वर्ट किया, फिर इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया, कुछ नहीं किया, इस टर्मिनल को सिर्फ नीचे ले आए हैं, सो इस टर्मिनल को नीचे लाएंगे तो यहाँ से आके ऐसे आ जाएगा, फिर इस सेक्शन को हमने अलग कर लिया है, तो ये सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर इस सेक्शन में हमने वी टी एस फाइंड आउट किया, इस सेक्शन में हमने आर टी एस फाइंड आउट किया, और अब इसका अगर इक्वलेंट बनाएं इन टर्म्स ऑफ आर टी एच और वी टी एस तो सर्किट कैसा बनेगा। अब इसका जो इक्वलेंट सर्किट बनेगा, इसमें वी टी एच और आर टी एस सिर्फ दो ही टर्म आएंगे ये, सो एक आ जाएगा वी टी एच ये, और एक आ जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस आर टी एच। सो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा वी टी एच और ये आपका हो जाएगा आर टी एच। सो इस सेक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ आर टी एच एंड वी टी एच, और ये अब हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफिकेशन, कि हमने इस सेक्शन को विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम, इस सेक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया इस टाइप के सेक्शन में। सो सिंपली इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या होगा। हमने क्या किया, अब इस वाले सेक्शन की जगह जो हमने कन्वर्ट किया था, इसकी जगह हमने आर टी एच और वी टी एच का इक्वलेंट सेक्शन लगा दिया। इट मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ हमने क्या लगा दिया, एक वी टी एच और एक आर टी एच कनेक्ट कर दिया। सिंपल से इसको रिमूव किया है, की जगह वी टी एच और आर टी एच लगा दिया, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमें अपने KVL के मेथड की हेल्प से इसमें करंट और VC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब हमें क्या करना है, दिस इज़ द इनपुट साइड, दिस इज़ द आउटपुट साइड। सो एक बार हम यहाँ पर इनपुट साइड में KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इनपुट साइड KVL वी कैन फाइंड आउट द करंट, इट मीन्स IB, IC और IE की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे इधर से। After that, we apply KVL at output side. With the help of output KVL, we can find out the value of VCE. So how we can solve this?
यू कैन सी यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, इट मीन्स केवीएल लगाएंगे, ठीक है। सो केवीएल एट इनपुट साइड, फर्स्ट हो गया केवीएल एट इनपुट साइड। तो जब हम केवीएल इनपुट साइड लगाएंगे तो सिंपल सा अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर तक आएंगे, लूप कंप्लीट हो जाएगा, केवीएल इक्वेशन लिखने हैं। सो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो निकलते टाइम साइन प्लस यानी VTH, तो ये क्या जाएगा VTH, ठीक है। फिर आगे गए, इस पर करंट कितनी जा रही होगी, बेस है तो इस पर करंट कितनी जा रही होगी IB, यहाँ पर करंट कितनी जा रही होगी IC, और यहाँ पर करंट कितनी जा रही होगी IE, ठीक है। सो इसमें हमने VTH लिख दिया, फिर यहाँ गए तो रेजिस्टेंस, तो माइनस साइन लगाया, IB इंटू RTH, तो क्या हो जाएगा IB इंटू RTH। फिर आगे गए, फिर ऐसे जाना है तो प्लस से माइनस, तो माइनस साइन लेंगे और VB की वैल्यू ऑलवेज हम 0.7 पुट करते हैं या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी, VB तक पहुंच गए। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर रेजिस्टेंस आ गया तो फिर माइनस साइन लगाया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है और करंट कितनी जा रही है IE, तो ये हो जाएगा IE इंटू RE, और हम अब ग्राउंड में पहुंच गए, इट मीन्स ये लूप कंप्लीट हो गया। तो अगर लूप कंप्लीट हो गया तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सो अब देखते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं VTH माइनस VB इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा IB RTH, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस IE को देखते हैं कैसे पुट करते हैं IB की फॉर्म में। सो देखते हैं यहाँ पर IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। सो यहाँ से IC की वैल्यू हो जाएगी बीटा IB, सो ये आ जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस बीटा IB। सो यहाँ से IE की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा IB, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आएगी IE की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस बीटा RE इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप का यूज़ करके यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ IB कॉमन हो जाएगा, IB कॉमन हो जाएगा और जो भी यहाँ पर बचेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो IB इज इक्वल टू आ जाएगा VTH माइनस VB अपॉन, यहाँ से हो जाएगा RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। सो दिस इज योर बेस करंट, सो ये IB आ गया। अब अगर हमारे पास IB आ गया, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप, इट मींस बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, वी कैन फाइंड आउट IC, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कलेक्टर करंट। अगर हमारे पास IC आ जाएगा, IB आ जाएगा, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट, इट मीन्स IE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास IB आ गया, IE आ गया, IC आ गया, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इनपुट साइड। तो हमने इनपुट साइड की कैलकुलेशन कर लिया और यहाँ से हमें ये वैल्यू आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि अपने आउटपुट में एक केवीएल लगाते हैं। सो आउटपुट में केवीएल लगाएंगे तो सिंपली हम VCC से स्टार्ट करेंगे और ग्राउंड तक जाएंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। सो यहाँ पर लिखते हैं केवीएल एट आउटपुट साइड, ठीक है। अब हम केवीएल आउटपुट साइड में लगाते हैं, तो देखते हैं
आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लूप लगाएंगे तो सिंपली कुछ ऐसा होगा, वीसीसी से चलेंगे और ग्राउंड तक पहुँचेंगे। तो सिंपल से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या जाएगा, वीसीसी, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आया, रजिस्टर। मैंने कहा जब रजिस्टर आएगा माइनस लगाना है, करंट की डायरेक्शन सेम है। सो आईसी इंटू आरसी, तो यहाँ से आ जाएगा आईसी इंटू आरसी, ओके। फिर आगे चले, देन वी हैव वीसी, और वीसी में प्लस से माइनस हो रहा है, तो प्लस से माइनस निकलते टाइम माइनस, तो माइनस वीसी आ गया, ठीक है। फिर आगे चले, देन हमारे पास क्या आ गया, एमीटर रजिस्टर। फिर रजिस्टर आया तो फिर माइनस साइन लगाया, उस पर करंट कितनी जा रही है, आई ई, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ई, और हम यहाँ तक पहुँच गए लास्ट में, तो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो सिंपली देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ से आ जाएगा वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई आर ई, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट इनपुट साइड की कैलकुलेशन से दोनों करंट फाइंड आउट कर चुके होंगे, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा वी सी। वी कैन ईजिली फाइंड आउट वी सी, जैसे वैल्यू पुट करेंगे सो वी सी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर बात करें क्यू पॉइंट की, तो क्यू पॉइंट क्या होता है, क्यू पॉइंट फंक्शन ऑफ आई सी एंड वी सी। अगर ये आ जाएगा सो हम सिंपली, क्योंकि हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये निकल आएगा, तो ईजिली आपका क्यू पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। सो ईजिली यू कैन सी, सबसे पहले हमें इनपुट कैलकुलेशन करनी है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई अवर सर्किट इन टर्म्स ऑफ वी टी एच एंड आर टी एच। आफ्टर दैट अप्लाई के वी एल एट इनपुट साइड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट। आफ्टर दैट अप्लाई के वी एल एट आउटपुट साइड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी। जब हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगे तो हम क्यू पॉइंट इसलिए निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर या सेल्फ बाइसिंग, या इसी को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका जो क्यू पॉइंट है सबसे स्टेबल या फिक्स्ड पॉइंट मिलता है हमें, ठीक है। सो आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम एंड केवीएल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, इट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now and press the bell icon. Never miss an